The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Oh, hello everyone, how are you today? This is Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Aaj ki baat cheet hogi bunyan pe. Bhai baniyan nahi hai ye, bunyan hai. So this is not something you wear, this is something which bothers you, which will be because of wear and tear. So kahan ho raha hai wear and tear, kya dikkat ho rahi hai, kai logon ko pareshani hoti hai bunyan se. Aur bunyan hota hai aapke pairon mein, aapke legs mein. So pairon mein ek bunyan kya hota hai? Bunyan is basically a bony bump, haddi bahar aa rahi hai. Bony bump jo ke aapke joint ke big toe jo hota hai, pair ka angutha jo hai, uske jo uska jo joint hai yahan par, bade pair ke angutha imagine kar le, uska jo big toe ka joint hai uske joint pe aa raha hai, aur wahan par uska jo base hai wo bahar aa raha hai, wo bahar aa raha hai aise. तो जब बाहर आने लगता है तो वो एकदम अजीब सा शेप ले लेता है, इस तरीके का शेप ले लेगा आपका पैर जो बाहर आने लगेगा. तो जब बाहर आने लगेगा तो दिस इज द बेस ऑफ द बिग टो, ठीक है, बड़े वाले जो पैर के अंगूठा है, पैर के अंगूठे का बेस जो है वो ऐसे बाहर आने लगेगा. तो यहाँ पर आपको अजीब सा टुंगड़ा दिखने लगेगा जो बिग टो में, जो दैट इज बुनियन. और ये होता है जब जो जो बोन्स हैं जो आपके वहां पर उस एरिया में जो बोन्स हैं वो लिटरली मूव आउट हो जाती है अपने प्लेस से, और इसके वजह से जो टिप है आपके बिग टो का वो पुल हो जाता है अंदर की तरफ. ऑब्वियसली चीज है कि जब एक ये चीज जब बाहर आ जाएगी, जब ये बाहर आ जाएगा तो ये अंदर पुल हो जाता है ऐसे. सो बड़ा टो पैर का अंगूठा अंदर पुल हो जाता है. सो दैट इज देयर, दिस इज कॉल्ड बुनियन. और यहाँ पर जो स्किन है वो स्किन भी इतनी बाहर आने लगती है, यहाँ से ये बाहर आने लगता है पैर का, कि वो लिटरली पैर में सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है. और अगर आप कोई टाइट या पतले जूते पहनेंगे तो फिर वहां पर आपको और ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, बुनियन बढ़ जाएगा इरिटेशन से, और पैर का शेप, पैर पूरा डिफॉर्म होने शुरू हो जाता है. और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके की आर्थराइटिस होने लग जाता है. सो ये एक डेंजरस सी चीज़ है जो भाई साहब बहुत तकलीफ देती है कई लोगों को, और इसका करेक्शन भी लंबा पड़ जाता है, धीरे धीरे करेक्शन होता है. सो याद रखिए, ये पैरों के मेन अंगूठे में हो सकता है, लेकिन छोटी उंगलियों में भी हो सकता है. हर छोटी उंगली के पैरों की छोटी उंगलियों में भी कोई भी जॉइंट में बाहर निकलने से ऐसा लगेगा कि हड्डी टेढ़ी सी हो गई है, बाहर सी निकल रही है, वो फील हो सकता है आपको. दैट इज कॉल्ड एज छोटा बुनियन, यानी बुनियोनेट, छोटा बुनियन, ठीक है, लिटिल फिंगर में बन सकता है. सो अगर आपको बुनियन है तो आपको कोई भी बिग जॉइंट के इसमें जॉइंट में बल्जिंग होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, सोरनेस मतलब दर्द होगा, और बुनियन ये है. कैलस या कॉर्न्स अलग चीज है. कैलस या कॉर्न्स, दीज थिंग ऑफन डेवलप वेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड टोज रब अगेंस्ट ईच अदर. मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा बुनियन आएगा वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर रबिंग होने लग जाएगी. वो रबिंग के वजह से, बार बार रबिंग के वजह से उसके ऊपर स्किन थिक होने लगती है, मोटा कैलस आने लग जाता है. जस्ट लाइक बॉडी बिल्डर्स को देखा है, जो लोग जिम में जाके हाथ में वो उठाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, उनके हाथ के इन जगहों पे मोटे मोटे कैलस आने लग जाते हैं. ये कैलसेस हैं. कैलसेस और कॉर्न्स जो है वो वहां पर थोड़ा सा, अगर मान लीजिए डॉट्स आने लग जाए, ब्लैक डॉट्स, तो उसको कॉर्न्स बोलते हैं. सो दीज आर देयर बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ द थिंग्स, घर्षण के वजह से. इसमें दर्द भी हो सकता है, कैलस में भी, कॉर्न में भी, और कभी कभी ऐसा भी होता है आता जाता रह सकता है. यहां तक कि बुनियन के वजह से बिग टो की मूवमेंट में गड़बड़ हो सकती है. सो आपको डॉक्टर के पास दिखाना है कि नहीं दिखाना है, खुद ठीक होगा क्या? नहीं जी, खुद ठीक नहीं होता है. अगर आपको दर्द हो रहा है, विजिबल बम्प है, मूवमेंट कम हो रही है, तो भाई साहब डॉक्टर के पास जाओ, डोंट वेस्ट टाइम. क्यों हुआ भाई साहब? थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट है इसमें, थोड़ा सा पैरों के फुट स्ट्रेस और इंजरीज हैं, चोट लगना, और थोड़ा सा कभी कभी बचपन से डिफॉर्मिटी होती है, ऐसी चीज़ें होती है, और कभी कभी पैरों में गलत तरीके से चप्पल पहनना, चलने की आपकी पोस्चर सही नहीं होना इसमें होता है. सो देयर इज दैट.
Bunion can be associated with arthritis, inflammatory diseases like rheumatoid arthritis. तो जिन लोगों को इस तरीके के arthritis होते हैं, उन लोगों को bunion भी देखा जाता है. So, और जो लोग high heels पहनते हैं, उनको risk ज़्यादा है. अगर शूज आपके फिटिंग नहीं है, प्रॉपर फिटिंग वाले शूज नहीं है, ज्यादा टाइट है, ज्यादा ढीले हैं, ज्यादा अजीबोगरीब टेढ़े टाढ़े हैं, कुछ भी पहन रहे हो शो के लिए, तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. और एज आई सेड, जेनेटिक कंपोनेंट है और आर्थराइटिस का कंपोनेंट है. अगर बुनियन को ठीक नहीं करोगे तो कई बार वहां पर बरसा, हर जॉइंट के आसपास लुब्रिकेट करने के लिए उसको एक बरसा होता है जो जॉइंट में फ्लूइड देता है, तो वहां बरसा इन्फ्लेम हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है, वहां पर लिटरली ब्लड भी आ सकता है वहां पर, और हैमर टो नाम की चीज भी हो सकती है. हैमर टो मतलब इट्स अ बेंड दैट ऑकर्स इन द मिडल ऑफ द जॉइंट ऑफ द टो, ऐसा यहां पर बेंड आने लग जाता है, और यूजली ऐसे में आपको पेन और प्रेशर बहुत फील होता है, ये हैमर टो होता है. और कई बार जो दूसरे जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे दूसरे जॉइंट, उसमें भी पेन होने लग जाता है, उसको वहां पे वो जॉइंट्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में मेटाटार्सल कहते हैं. तो मेटाटार्सलजिया, एलजिया मतलब पेन, वो होने लग सकता है, दैट इज देयर. सो कैन यू प्रिवेंट बुनियन? यस यू कैन प्रिवेंट. प्रॉपर फिटिंग वाले शूज पहनिए, और प्रॉपर अपने कोई पॉइंटी टोज वाले शूज नहीं पहनना, ऐसा कि टोज एकदम पॉइंटी होने चाहिए, ऐसा नहीं, प्रॉपर शूज होने चाहिए. और देयर शुड बी स्पेस बिटवीन द टिप ऑफ द लॉन्गेस्ट टो एंड द एंड ऑफ द शू, यानी ये जूते एकदम आगे से थोड़े से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए जूतों में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर इज दैट. अगर आप बात करें कि इसका डायग्नोसिस कैसा है, तो बुनियन के डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन काफी है, लेकिन एक्सरे करके देखा जा सकता है एग्जैक्टली कि भाई कौन सी हड्डी कितनी बड़ी और कितनी डिस्प्लेस्ड है. ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कितना सिवियर बुनियन है, कितना सिवियर टेढ़ा हो रखी है हड्डी, और कितना दर्द है उसके ऊपर. कई बार नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स काम कर जाते हैं. नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में पेन प्रेशर रिलीफ हो जाता है. इसमें आपको जूते बदलने पड़ेंगे, शूज चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे जूते पहनने होंगे जिसमें कंफर्टेबल शूज हो, रूम हो, ज़्यादा स्पेस हो आगे पीछे हर जगह जूतों के लिए. पैडिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ओवर प्रोटेक्टिव पैडिंग करनी होगी, और इवन कई बार जो टो सेपरेटर पहनना पड़ जाता है टो सेपरेट करने के लिए, दैट इज देयर. मेडिकेशंस भी, सपोर्टिव मेडिकेशंस, पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हैं. पेन किलर्स आर ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसिटामिनोफेन, इप्रोप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, एनीथिंग कैन बी टेकन एज पर एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर. और कई बार इन्फ्लामेशन अगर ज्यादा है, आर्थराइटिस है, तो कॉर्टिसोइड, कॉर्टिसोन, स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगते हैं. शू इंसर्ट जरा हमने बताया, वो बहुत अच्छे काम करते हैं. शू के अंदर इंसर्ट यानी ओवर द काउंटर ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज आते हैं जो आपके पर्टिकुलर शेप के शूज के वजह से, आपके पर्टिकुलर पैर के शेप के लिए बनाए जा सकते हैं कि शेप करेक्ट किया जाए, दैट इज देयर बुनियन करेक्शन. और आप बर्फ लगा सकते हैं अगर सूजन बहुत ज्यादा है, आइस विल अगेन हेल्प यू आउट इन्फ्लामेशन, सोरनेस, दर्द, सूजन कम करने के लिए. और अगर ये सारे नॉन सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेशन अगेन एक ऑप्शन है. अगर ऑपरेशन की बात आती है, तो कॉस्मेटिक रीजन से ऑपरेशन नहीं कराया जाता कि भाई दिखने में अजीब है तो ऑपरेशन कर दो, नहीं. अगर अनलेस एंड अंटिल आप चल नहीं पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर आपकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन एडवाइजेबल होता है. और बुनियन के लिए कायदे से ऐसी कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं है. कई बार छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसीजर लगते हैं कि एक बारी में ये करेक्ट करा, एक बारी में वो करेक्ट करा, कि भाई ये हड्डी सीधी करी, दूसरी बारी में वो हड्डी सीधी करी. सो समथिंग लाइक मल्टीपल प्रोसीजर्स भी जरूरत पड़ सकती है, और सारे छोटे छोटे होते हैं, राइट, कैन बी डन विद अ मैनी स्मॉल स्मॉल प्रोसीजर्स, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार सूजी हुई टिश्यू है जो बड़े, मतलब आपका सॉफ्ट टिश्यू सूज जाता है, तो एक ऑपरेशन में उसको निकाला, दूसरे में विक्टो को स्ट्रेट किया, हड्डी को स्ट्रेट किया, तो और कभी कभी दोनों एक साथ करने के मौका मिला, दोनों कर लिया. रीअलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट, जने हड्डी हड्डी को, जो दो हड्डी जुड़ रही है यहाँ पर एक के ऊपर, इसको रीअलाइनमेंट किया, और बोन्स को फिर ज्वाइंट करने के लिए प्रॉपर जुड़ जाए, कुछ ना कुछ करा जाता है. ऐसे तरीके के अब स्टेप्स होते हैं. योर ऑर्थोपेडिक सर्जन विल एक्सप्लेन यू बेटर कि आपके केस में एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा. अगेन, बुनियन प्रोसीजर के बाद आप हो सकता है आराम से चल भी पाओ, थोड़ा सा आपको सपोर्ट या ब्रेसेस देना पड़े, और एक हाथ कुछ हफ्तों में या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेशन की कितनी सिवियरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में पूरा रिकवरी हो जाती है. अगर ये बात याद रखिए, अगर आप अपनी आदतें नहीं सुधारोगे, अपने पैर को जूते पहनने की आदतें और बेसिक प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लोगे, तो फिर वापस होने के चांसेस होते हैं बुनियन में. सो मेक श्योर कि आप अपना डॉक्टर से रेगुलर बात करते रहें, और अपना
पैरों का पोस्चर जरूर चेक करते रहे अगर आपको जानना है. अगेन लाइक आई सेड, अच्छे प्रॉपर फिटिंग शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पोस्चर इन विच यू स्टैंड एंड वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट बुनियन. तो दिस इज अबाउट बुनियन एंड कैलिसेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर द वीडियो. ओके एंड लेट मी सी व्हाट क्वेश्चंस यू हैव.